हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टिप्स। हमारे चैनल पर 100 डेज टारगेट बैच आप लोगों के लिए लेकर आया गया है, जिसमें मिलेंगे आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के स्पेशल क्लास। आज के जो हमारा आज है वो डे वन है, जिसमें हम अभी कर रहे हैं रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे, डे वन में हम लोग कर रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन ना रहे, इसके लिए आप पूरे क्लास को एंड तक देखें, और आप अगर इस क्लास को एंड तक देखते हैं तो आपके मार्क्स पूरे सिक्योर हो जाएंगे, आप बिना पेन और पेपर को इसके सवाल को कर पाएंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हम करने वाले हैं पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, उसके बाद इसके बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग ट्रिक से भी सवाल को करेंगे और बेहतरीन सवाल इसमें करेंगे। कितने टाइप्स के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में सवाल पूछे गए हैं और कितने टाइप्स के सवाल पूछे जाते हैं, ये हम लोग करने वाले हैं पार्ट वन और पार्ट टू में। ये हमारा पार्ट वन है और स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। अगर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि डायरेक्शन क्या होता है और कितने टाइप का डायरेक्शन होता है। ठीक है, कितने टाइप का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन क्या है। तो जैसे ही आप अगर किसी को कोरिलेट करके देखें तो हमारा प्यारा भारत इस तरह से हमारा अपने प्यारा भारत को अगर कोरिलेट करे, ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारा ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, नॉर्थ है। नॉर्थ पार्ट में जो आप जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला पार्ट आप देख रहे होंगे साउथ में, चेन्नई, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तो ये सब साउथ वाला पार्ट है, आप जानते ही हैं। तो नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, और इस पार्ट इधर वाले पार्ट में ईस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, ईस्ट वाला पार्ट आप इधर कोलकाता देख रहे होंगे, वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जो आप देख रहे होंगे इस साइड में, ठीक है, तो ये ईस्ट वाला पार्ट हो गया, और इधर जो है वेस्ट में ये क्या है, गुजरात है, गुजरात है। तो इस तरह से चार टाइप के जो मेन डायरेक्शन होते हैं, चार टाइप के मेन डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया चार टाइप के मेन डायरेक्शन। क्या कोई सब डायरेक्शन भी होता है? ठीक है, क्या कोई सब डायरेक्शन भी होता है? तो हाँ, इन जो मेन डायरेक्शन होता है उसके बीच वाले पार्ट को, उसके बीच वाले डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, सब डायरेक्शन। ठीक है, सब डायरेक्शन। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच को क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, वहीं ईस्ट और साउथ के बीच, ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, और वहीं कहा जाता है साउथ वेस्ट, उसी तरह से नॉर्थ वेस्ट। तो ये आप देख रहे होंगे चार मेन डायरेक्शन और चार सब डायरेक्शन यहां पर आप देख रहे होंगे। ठीक है, चार मेन डायरेक्शन और चार सब डायरेक्शन। हम लोग इसमें क्या करते हैं, जब आप सवाल को इसके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के सवाल को करेंगे तो आपको मिलेगा कि कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ से चला, फिर उसके बाद अपने राइट में टर्न ले लिया, फिर लेफ्ट हो गया, फिर नॉर्थ की ओर गया, क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज गया, तो किस तरह से हम इस डायरेक्शन को क्या करेंगे, इस डायरेक्शन को किस तरह से पॉइंट आउट करेंगे और इस डायरेक्शन को इजिली कैसे समझेंगे। तो इसमें एंगल का भी खेल होता है। ठीक है, एंगल का भी खेल होता है। तो जो हमने अभी देखा कि एक क्वाड्रेंट की तरह नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो आप जब नॉर्थ से नॉर्थ तक अगर एक टर्न को पूरा करते हैं तो इसमें 360 डिग्री का एंगल को ये क्या करता है, कवर करता है। एक बार में ये क्या करता है, 360 डिग्री का एंगल को कवर करता है। तो अगर एक क्वाड्रेंट की बात करें तो आप सब जानते होंगे ये 90 डिग्री हो गया, दूसरा क्वाड्रेंट ये 90 डिग्री हो गया, तीसरा क्वाड्रेंट ये 90 डिग्री हो गया, चौथा ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके बीचों बीच क्या होगा, 45 डिग्री, तो 8 बार 45 डिग्री का एंगल बनता है और 4 बार 90 डिग्री का। तो आप इसके बीच में के एंगल को इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये 0 डिग्री अगर है और आप क्लॉकवाइज में चल रहे हैं इस तरह से। ठीक है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो आप अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब क्या, अगर आप दक्षिण हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त अगर आप घूम रहे हैं, या फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त। ठीक है, वामावर्त अगर आप घूम रहे हैं, तो अगर दक्षिणावर्त घुमा यानी कि क्लॉकवाइज घुमा तो इस तरह से ये 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180, 225, 270, 315, तो इस तरह से सवाल भी पूछे जाते हैं एंगल से रिलेटेड। अगर आपको लेफ्ट राइट देखना है कि लेफ्ट जाएंगे राइट जाएंगे तो किस डायरेक्शन में जाएंगे, जो जो मेन डायरेक्शन होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो इसका हम लोगों को दिया जाता है सवाल में। ठीक है, हम लोगों को सवाल में दिया जाता है कि नॉर्थ के राइट टर्न ले लिया, या फिर साउथ के राइट टर्न, साउथ के लेफ्ट टर्न, या फिर साउथ ईस्ट के लेफ्ट टर्न, या फिर साउथ ईस्ट का राइट टर्न। तो इस तरह से हमको क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है जब हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से देखेंगे। तो यहां पर एक आप चार्ट देख पा रहे होंगे कि जब हम लोग क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, ठीक है,
क्लॉकवाइज मुड़ते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा, अगर आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के सवाल को करते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को सवाल को करते हैं, तो आप क्या करना है, आपको आपको खुद को एज्यूम करना है, यहाँ पर मानना है कि आप खड़े हैं इस तरह से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मूव कर आप खड़े हैं, जो आपका राइट वही राइट होता है और जो आपका लेफ्ट होता है वही लेफ्ट होता है। तो अगर इस तरह से देखें कि ये जो नॉर्थ डायरेक्शन में है, अगर आप इस तरह से खड़े हैं तो आपका राइट, अगर आप दोनों हाथ को इस तरह से फैला दिए तो जो आपका राइट है वही राइट होगा, जो आपका लेफ्ट है वही लेफ्ट होगा। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन का बात हो गया। लेकिन अगर साउथ डायरेक्शन में देखें तो इस तरह से क्या होगा कि जो नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि उल्टा डायरेक्शन हो गया, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन में राइट था वो साउथ का लेफ्ट हो गया और जो नॉर्थ डायरेक्शन में लेफ्ट था वो साउथ का राइट हो गया। तो जब हम लोग और भी आगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से रिलेटेड या फिर डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल, इसी में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट से भी रिलेटेड सवाल को देखेंगे, तो इसमें एक टाइप है। तो यहां पर भी हमको डायरेक्शन इसी तरह से देखना है कि जो मेरा राइट वही राइट, जो मेरा लेफ्ट वही लेफ्ट। लेकिन अपने कन्वीनियंस से इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब हम क्लॉकवाइज इस तरह से मुड़ रहे हैं, क्लॉकवाइज नॉर्थ से जब क्लॉकवाइज मुड़ा इस तरह से, ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज जब हम लोग मुड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये देखिए क्लॉकवाइज राइट, ये क्लॉकवाइज राइट, क्लॉकवाइज राइट, क्लॉकवाइज राइट। तो जब हम इस तरह से बनाकर देख सकते हैं कि ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा ईस्ट है और ये मेरा वेस्ट है। जब नॉर्थ के क्लॉकवाइज, या फिर बोल सकते हैं कि जब राइट हम लोग टर्न लिया राइट, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से क्लॉकवाइज ये राइट टर्न हो गया, क्लॉकवाइज ईस्ट का क्लॉकवाइज चला तो ये राइट टर्न हो गया, ठीक है, ये राइट हो गया। यहां से आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर अगर आप खड़े होकर इस जगह पर आप खड़े होकर देखेंगे तो ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा। तो इस तरह से क्लॉकवाइज जब जा रहे हैं तो राइट टर्न ले रहा है, क्लॉकवाइज राइट टर्न। फिर यहां से साउथ की ओर जब हम लोग खड़े होकर देखेंगे, ठीक है, साउथ मतलब उल्टा के डायरेक्शन में, तो जो ऊपर में जो नॉर्थ का लेफ्ट था वो यहां का राइट हो जाएगा। तो हम सीधा सा एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे कि क्लॉकवाइज राइट, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज राइट, ठीक है, क्लॉकवाइज राइट और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट, ठीक है, क्लॉकवाइज राइट और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट। और एक एजम्पशन आपको ये भी करना है कि आपको खुद को एज्यूम कर चलना है, ठीक है, खुद को एज्यूम करके चलना है, जो आपका राइट वही राइट, जो आपका लेफ्ट वही राइट। तो नॉर्थ की ओर हम लोग मूव करके और उल्टे, उसके उल्टे साउथ में देखेंगे तो बस उलट देंगे डायरेक्शन को, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने डायरेक्शन को देखा कि किस तरह से हम लोग देखेंगे, जो हमारा राइट वही हमारा राइट, जो हमारा लेफ्ट वही हमारा लेफ्ट। तो इस तरह से हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख सकते हैं कि जो नॉर्थ है, ठीक है, तो नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का अगर आपसे कोई एंगल नहीं बोला गया, ठीक है, हमने अभी एंगल का भी बात किया था, अगर आपको कोई एंगल नहीं बोला है तो आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेंगे या फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज बोला तो राइट बोल दिया, ठीक है, क्लॉकवाइज बोला तो राइट बोल दिया और एंटी क्लॉकवाइज बोला यानी कि लेफ्ट बोल दिया, ठीक है, लेफ्ट बोल दिया। तो अगर कोई एंगल नहीं दिया है तो 90 डिग्री आपको एज्यूम करके चलना है। तो अगर यहां से नॉर्थ का आपसे पूछा जाए, नॉर्थ का राइट, तो आपको क्या देखना है, क्लॉकवाइज, ठीक है, तो क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन है। तो नॉर्थ का राइट बोला इसका मतलब 90 डिग्री राइट जो नॉर्थ का है कौन है, ईस्ट है। नॉर्थ के 90 डिग्री राइट में कौन है, ईस्ट है, इस तरह से ईस्ट है। अगर ये देखिए आप ईस्ट का, और अगर ईस्ट का राइट आपसे पूछे ईस्ट के राइट में, ठीक है, तो आपको 90 डिग्री जाना है, ईस्ट ये है, इस डायरेक्शन ये है और ईस्ट के राइट में आपको 90 डिग्री टर्न ले लेना है। अगर आपसे सिंपली ये बोले कि ईस्ट का राइट, तो ईस्ट का राइट यानी कि पूर्व का दायां कौन होगा, तो ईस्ट का राइट आप डायरेक्शन यहां से देख सकते हैं 90 डिग्री हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मुड़ जाएंगे, क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त मुड़ जाएंगे, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त मुड़ जाएंगे नीचे की ओर। तो ये हो गया ईस्ट का राइट, साउथ हो गया, ठीक है, साउथ हो गया, ईस्ट का राइट साउथ। और अगर आपसे पूछे कि नॉर्थ का राइट तो ईस्ट हो गया। उसी तरह से साउथ का अगर राइट पूछे तो साउथ नीचे की ओर, और राइट अगर बोल रहा है साउथ का राइट, तो ये हो गया राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 90 डिग्री जब मुड़े तो क्या हो गया, साउथ का राइट, तो ये किस डायरेक्शन में है, तो ये है वेस्ट। तो साउथ का राइट वेस्ट हो गया। इसी तरह से अगर आपसे ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट है और इसका राइट अगर बोले, तो इससे आपको यहां से चलना है, आपको एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे पता चले, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का अगर राइट पूछे तो आपको क्लॉकवाइज यहां से मुड़ जाना है 90 डिग्री, और जब क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो ये देखिए किस डायरेक्शन में है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो राइट होगा वो क्या होगा,
तो साउथ ईस्ट होगा। ये देखिए साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का जो राइट होगा वो क्या होगा, साउथ ईस्ट। यहां से आप देख पा रहे होंगे ये डायरेक्शन ईस्ट है और ये डायरेक्शन साउथ है, तो ये हो गया साउथ ईस्ट। और यहां से चले थे तो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो गया। तो ये बात हो गया हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड, और भी कुछ कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, तो वो सवाल में ही हम लोग देखेंगे। अच्छा, इस जो ये जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, इसमें किस तरह के सवाल के सवाल का किस तरह से लैंग्वेज पूछा जाता है, उसका लैंग्वेज किस तरह का होता है, प्रश्नों के भाषा किस तरह के होते हैं, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति लास्ट में किस दिशा में चल रहा है, अभी वह किस दिशा में, जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो पूछा जाएगा अब वह किस दिशा में चल रहा है, या फिर अभी उसका मुंह किस दिशा में है, यानी कि नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, या फिर नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल पूछा जा सकता है, या फिर अब वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो नाउ इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट टू वॉक, या फिर आपको सापेक्ष दिशा विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, किसी नॉर्थ के रेस्पेक्ट में, साउथ के रेस्पेक्ट में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, या फिर कहा जाएगा कि इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, यानी कि आपको बोला जाएगा कि किस डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया था, तो आपको शुरुआत वाला, स्टार्टिंग वाला डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा, जिस सवाल में उसमें कहा जाएगा कि स्टार्टिंग वाला डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा, बाद में जितना भी डायरेक्शन वो आपको दिया जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग वाला डायरेक्शन आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, या फिर दूरी वाले प्रश्न, यानी कि डिस्टेंस, जिसमें आपको केवल डिस्टेंस पूछा जाए, ठीक है, कि कितना दूरी पर है, 40 मीटर ईस्ट है, 40 मीटर, 200 मीटर, 200 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वेस्ट है, तो इस तरह से आपको डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, तो आपको उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि मिनिमम डिस्टेंस आपको वहां पर बताना है। इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो आप इस तरह से देख पा रहे होंगे कि इस तरह से क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है हमारे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले सवाल में, कितने टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो आज हम लोग 3 टाइप करेंगे, पार्ट 1 में 3 टाइप करेंगे, और कल हम लोग 4 या 5 टाइप करेंगे, ठीक है। तो पूरे इसमें 8 टाइप है, ठीक है, और एक एक टाइप को बेस्ट इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताते चलेंगे, और उसके साथ ट्रिक भी बताएंगे, जिससे आपको पेन और पेपर उठाना ना पड़े। किसी किसी सवाल में हो सकता है कि उठाना पड़े, लेकिन किसी किसी सवाल में, बहुत सारे सवाल में आपको पेन उठाना भी, उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कुल 8 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, और इसमें हम लोग आज करने वाले हैं 3 टाइप के सवाल। तो फर्स्ट टाइप में आपसे क्या पूछा जाएगा, टाइप 1 में आपसे पूछा जाएगा, ये फर्स्ट टाइप का सवाल जो है, इसमें केवल डायरेक्शन पूछा जाएगा कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, ठीक है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, इस तरह का आपको सवाल पूछा जाएगा टाइप 1 में। तो इसमें केवल आपसे डायरेक्शन पूछा जाएगा, इसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं पूछा जाएगा, केवल आपसे पूछा जाएगा वो साउथ ईस्ट में है, साउथ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, ठीक है, वेस्ट यानी कि दक्षिण में है, वेस्ट यानी कि पश्चिम में, अब वह पश्चिम में है या दक्षिण में है, या फिर नॉर्थ ईस्ट, आप इसको बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व, और डायरेक्शन क्या है, आप इसको भलीभांति इससे परिचित हो गए हैं अभी तक में, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में, तो इस तरह से आपको केवल डायरेक्शन पूछा जाएगा। तो आप इसमें दो तरह, देखिए क्लॉकवाइज क्या है, राइट कैसे जाएंगे, लेफ्ट कैसे जाएंगे, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। तो अगर इस तरह के सवाल केवल डायरेक्शन पूछा जाए, तो इसको एक बार आप अपने पेन कॉपी पर भी इसको बना सकते हैं, नहीं तो आप सीधे इसको, एक बेस्ट ट्रिक हम लोग बताएंगे इसमें, बताया जाएगा, उसके थ्रू भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं सवाल का सिलसिला स्टार्ट, और देखते हैं हम अपना पहला सवाल टाइप 1 का, जिसमें केवल डायरेक्शन पूछा जाएगा। यहां बोला जा रहा है कि मिस्टर दीपक मोहन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, यानी कि दक्षिण की ओर उसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, दक्षिण की ओर उसने चलना स्टार्ट किया, और उन्होंने वो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले, उसके बाद एंड देन टर्न्स द राइट, दक्षिण के राइट, तो साउथ का राइट क्या होता है, साउथ का राइट क्या होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था, साउथ नीचे और इसका राइट क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज अभी हमने बताया था, क्लॉकवाइज राइट
और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट, इस तरह से आप देख सकते हैं, नहीं तो आप अपने आप को एज्यूम करके भी डायरेक्शन को देख सकते हैं कि मेरा राइट, जो मेरा राइट वही राइट, जो मेरा लेफ्ट वही लेफ्ट। अगर आप यहां पर भी पीछे की ओर मुंडी अपने पीछे अपने उल्टा होकर घूम जाए तो आपका राइट हैंड इधर आएगा और लेफ्ट हैंड इधर आएगा। तो जो साउथ का राइट होगा वो अगर डायरेक्शन एंगल नहीं दिया है तो आपको 90 डिग्री मानना है, ठीक है, 90 डिग्री मानना है। तो बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है या फिर यहाँ पर नाम दिया गया है दीपक मोहन जो है 5 किलोमीटर चलता है टुवार्ड्स साउथ, 5 किलोमीटर साउथ की ओर चलता है, उसके बाद वो एंड देन टर्न्स टू हिज राइट, ठीक है, हिज राइट द राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर टू द लेफ्ट, ठीक है। तो यहां से हम लोग इस सवाल को देख लेते हैं, इसको एक बार इसको रब कर देते हैं जिससे कि हमको बनाने में इसे आसानी हो, ठीक है। चलिए, मिस्टर दीपक मोहन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ, मिस्टर दीपक मोहन साउथ यानी कि नीचे की ओर 5 किलोमीटर ये चले, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एंड देन टर्न्स टू द राइट, मतलब दाया वहां से मुड़ गया। दाया क्या होता है? दाया होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? आप वो भलीभांति इससे परिचित हैं। तो क्लॉकवाइज वो क्या हुआ? मुड़ गया, ठीक है, 5 किलोमीटर ये चला और क्लॉकवाइज मुड़ गया। उसके बाद बोल रहा है आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, मतलब ये दाया मुड़कर वो 3 किलोमीटर चला, ठीक है, 3 किलोमीटर चला एंड क्या बोला, 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू लेफ्ट, और लेफ्ट क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से यहां से मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज यहां से चले तो कितना चले? 5 किलोमीटर एंटी क्लॉकवाइज चले। अब कहता है व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग राइट नाउ, यानी कि मतलब यानी कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो आप बताइए किस दिशा की ओर यह मुंह करके खड़ा है? यह है साउथ डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा, ठीक है, साउथ यानी कि दक्षिण की ओर मुंह करके ये क्या है, खड़ा है। अभी इससे पता चला कि ये जो एक आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, उसके बाद लेफ्ट राइट का भी पता होना चाहिए, लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, राइट यानी कि क्लॉकवाइज, या फिर आप अपने आपको एज्यूम करके भी डायरेक्शन को देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से एक ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको देख सकते हैं, ट्रिक में क्या है कि आपको इस टाइप का सवाल जिसमें केवल डायरेक्शन पूछा जाए तो आपको जिस डायरेक्शन में पहले कहा गया वो डायरेक्शन आपको लिख लेना है, ठीक है, वो डायरेक्शन आपको लिख लेना है। उसके बाद क्या है, राइट है, राइट लिख ले, साउथ का राइट। उसके बाद आपको ये जो डिस्टेंस दिया गया इस पर ध्यान नहीं देना है, जिसमें आपको डायरेक्शन केवल पूछा गया इसमें डिस्टेंस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप केवल अगर ट्रिक से बनाए जी मिनटों में अगर सेकेंड में अगर सवाल करना चाहते हैं तो आप पहले क्या करें, साउथ लिखें, उसके बाद राइट लिखे, उसके बाद कहता है कि लेफ्ट मुड़ गया, तो राइट उसके बाद लेफ्ट मुड़ गया। अब यहां से कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया, अब हमको देखना है तो जो लेफ्ट राइट होगा ये क्या होगा, लेफ्ट और राइट आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, लेफ्ट और राइट आपस में कैंसल हो जाएगा, जो डिफरेंट डायरेक्शन होता है वो आपस में कैंसल आउट कर देते हैं। तो लेफ्ट और राइट कैंसल आउट हो गया, बचा कौन सा डायरेक्शन, साउथ। तो आपको यहां से आंसर आ गया कि ये अब साउथ डायरेक्शन में ही मुंह करके खड़ा है। तो ये ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको ये डायरेक्शन ये जो पिक्चर बनाए इसको बनाए बिना आप ये सवाल को कर सकते हैं। चलिए अगले क्लास को अगले सवाल को बनाकर देखते हैं कि क्या इस ट्रिक से हम सवाल को कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए देखते हैं कि जो देखिए यहां लिखा हुआ है कि शिवा स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, शिवा अपने घर से शुरुआत करता है चलना, उसके बाद 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर चलता है, ठीक है। आप एक बार पिक्चर से भी बनाएं और उसके बाद ट्रिक से भी बनाने का कोशिश करें। तो ये क्या किया, 5 किलोमीटर ईस्ट अपने, 5 किलोमीटर ईस्ट अपने क्या किया, ये अपने घर से स्टार्ट किया, ये इसका घर है और यहां से 5 किलोमीटर ये चला, ठीक है, उसके बाद ईस्ट की ओर चला एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, ठीक है, एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। और लेफ्ट का मतलब, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से और ये हो गया क्लॉकवाइज। तो यहां से लेफ्ट चला, ठीक है, लेफ्ट कितना गया, लेफ्ट यहां से 4 किलोमीटर वो चला, 4 किलोमीटर चला। उसके बाद कहता है फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट, मतलब यहां से भी ये क्या किया, लेफ्ट चला। आप यहां से इसके एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गया और यहां से ये 5 किलोमीटर चला, ठीक है, 5 किलोमीटर चला। जब ये यहां से 5 किलोमीटर चला, अब कहता है कि नाउ हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज हाउस एंड इन विच डायरेक्शन। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 किलोमीटर के डायरेक्शन में, 4 किलोमीटर यहां से इसका डायरेक्शन, जो यहां पर आकर ये खड़ा हुआ, यहां से इसका डायरेक्शन के डायरेक्शन किधर की ओर है, ये किधर की ओर है, तो नॉर्थ की ओर खड़ा है, नॉर्थ की ओर इसके ये मुंह करके खड़ा है, ठीक है।
यहां से ये बोल सकते हैं कि नाउ हाउ फार, तो ये जो यहां पर खड़ा है ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ डायरेक्शन में, और कितने दूरी पर है, तो 4 किलोमीटर में है। तो यहाँ डिस्टेंस भी पूछ लिया गया है, इसीलिए हम उस ट्रिक को बिना लगाए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसमें पिक्चर को बनाना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपसे डायरेक्शन केवल पूछा जाता, केवल इसमें डायरेक्शन पूछा जाता कि किस डायरेक्शन में अभी वो है, तो आपको क्या करना है, इसमें ईस्ट लिखें, ठीक है। पहले हमको दिया हुआ ईस्ट, उसके बाद कहता है लेफ्ट मुड़ गया, तो ईस्ट का लेफ्ट, उसके बाद कहा कि ईस्ट का लेफ्ट, फिर क्या हुआ, लेफ्ट ही मुड़ा, फिर क्या हुआ, लेफ्ट ही मुड़ गया, यहां से फिर लेफ्ट मुड़ गया। नाउ हाउ फार इज द, अगर डायरेक्शन पूछा तो दो लेफ्ट ईस्ट का, यहां से देख लेते हैं कि जो ईस्ट का लेफ्ट होता है, ईस्ट का यह है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक। जो ईस्ट का लेफ्ट है वो क्या है, ईस्ट का लेफ्ट है नॉर्थ, ईस्ट का लेफ्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ठीक। और फिर नॉर्थ का लेफ्ट, तो नॉर्थ का लेफ्ट है वेस्ट, नॉर्थ का लेफ्ट है वेस्ट, ठीक है। तो ये वेस्ट डायरेक्शन में, ये वेस्ट डायरेक्शन में इधर क्या हो गया, आ गया वेस्ट डायरेक्शन में, खड़ा हो गया यहां पर, खड़ा हो गया। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से अगर पूछेगा, डिस्टेंस भी पूछेगा, तो आपको इस तरह से सवाल, मतलब पिक्चर बनाना होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। कहता है इन द इवनिंग अस्मारा स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन, ठीक है। यहां से वो क्या किया, जो इवनिंग के टाइम पर ये क्या किया, सन की ओर ये चलना स्टार्ट किया, ठीक है। अस्मारा जो है ये सन की ओर चलना स्टार्ट किया, यानी कि ईस्ट की ओर चलना स्टार्ट किया, ईस्ट की तरफ से वो चलना स्टार्ट किया। उसके बाद कहता है आफ्टर सम टाइम सी टर्न्ड लेफ्ट, अच्छा ईस्ट के लेफ्ट कौन होगा, ईस्ट का लेफ्ट अगर आपको डायरेक्शन नहीं, एंगल नहीं दिया है, तो ईस्ट का लेफ्ट जो होगा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऊपर चला गया नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में ये चला गया लेफ्ट, यानी कि ऊपर की ओर एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद राइट, तो राइट क्या होता है क्लॉकवाइज, राइट क्या होता है क्लॉकवाइज, तो आप इधर से क्लॉकवाइज मुड़ गया, ठीक है, राइट मुड़ गई। उसके बाद कहता है कि लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ गई, फिर लेफ्ट, तो यहां से लेफ्ट क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की ओर चली जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी। अब बोलता है इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ, तो कहता है किस डायरेक्शन में अब वो जा रही है, तो यहां से देख पा रहे होंगे आप नॉर्थ में ये जा रही है। अच्छा ट्रिक के माध्यम से कैसे देख सकते हैं, तो पहले यहां पर लिखा हुआ है ईस्ट, उसके बाद है लेफ्ट, और ये उसके बाद है लेफ्ट, उसके बाद है राइट। आप डायरेक्शन केवल लिख ले, डायरेक्शन वाले अगर डायरेक्शन पे पूछा गया है तो आप केवल लेफ्ट राइट को लिख ले, उसके बाद है लेफ्ट। और हम बताए थे कि जो डिफरेंट डायरेक्शन होता है लेफ्ट राइट, वो आपस में कैंसल आउट हो जाता है, तो बचा क्या ईस्ट का लेफ्ट। ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ, ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ 90 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो ईस्ट का लेफ्ट हो गया नॉर्थ। तो इस तरह से भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी देख लिए कि ये अभी वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। अगला सवाल है कि कोई एक पर्सन है गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की ओर वो मुंह करके जा रहा है, वो चला 100 मीटर, वो चला 100 मीटर, ठीक। ही टर्न्स टू हिज राइट, अच्छा ही टर्न्स टू हिज राइट, तो राइट क्या होता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यहां से मुड़ गए, क्लॉकवाइज यहां से मुड़ गया। और आप अपने आप को भी मानकर यहां पर एज्यूम कर सकते थे कि मेरा राइट क्या है, इधर की ओर, जो मेरा राइट वो मेरा राइट, जो मेरा लेफ्ट वो मेरा लेफ्ट। तो अगर आप इस तरह से मुंह करके हैं तो आपका राइट क्या होगा, इधर ही होगा, ठीक है। इस तरह से भी आप देख सकते हैं, तो जल्दी आपको जैसे मतलब आपको आसानी हो उस तरह से आप डायरेक्शन को देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, राइट मुड़ गया, और कितना चला 50 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद है अगेन ही टर्न्स राइट, तो इसका राइट अगर यहां पर आप खड़े हैं इस तरह से ईस्ट की ओर मुंह करके, तो आपका राइट किधर की ओर होगा, इधर की ओर। और ऐसे भी देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज इधर है, क्लॉकवाइज इधर, तो ये राइट चला, और ये कितना दूर चला 100 मीटर चला, ठीक है 100 मीटर। उसके बाद कहता है ही टर्न्स, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये यहां से लेफ्ट चला, और यहां से आप जब नीचे की ओर आएंगे, तो नीचे की ओर जब आप करेंगे साउथ के डायरेक्शन में, तो आपका लेफ्ट किधर की ओर है, इस तरह, ठीक है, इस तरह पर लेफ्ट है आपका इधर। और हम जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट, और क्लॉकवाइज होता है राइट, ठीक है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये यहां से एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप यहां से मुड़ेंगे तो साउथ का एंटी क्लॉकवाइज इधर की ओर चला गया, ठीक है, लेफ्ट की ओर। तो यहां से लेफ्ट गया कितना 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर यहां से गया। अब बोलता है कि नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, तो हम बोले थे कि कोई डायरेक्शन वाला सवाल हो तो आपको ये डिस्टेंस वगैरह ध्यान में नहीं रखना है, केवल आप ट्रिक से भी इसको बना सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। लेकिन यहां पर हम पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से देख रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्शन इस तरह से खींच के भी देख ले रहे हैं एक बार, ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन में है, ये किस डायरेक्शन में, अभी
ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट की ओर है मुंह करकर, यानी कि पूर्व की ओर ये मुंह करके खड़ा है। अब यहां से ट्रिक से देखते हैं कि क्या सही में ट्रिक लग रहा है। तो यहां पर ट्रिक में है कि पहले ये हम बताए थे कि नॉर्थ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया तो लिख लिया, उसके बाद वो टर्न्स हिज राइट, राइट लिख लिया, ठीक है, फिर कहता है फिर राइट, फिर राइट लिख लिया, फिर कहता है लेफ्ट मुड़ा, अब कोई डायरेक्शन नहीं मुड़ रहा, यहां से देख लो लेफ्ट राइट कैंसिल आउट। और नॉर्थ का राइट क्या होता है, नॉर्थ का राइट यानी कि उत्तर का दायां कौन है, यहां से आप देख सकते होंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और नॉर्थ का राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम बोले थे, नॉर्थ का राइट हो गया ईस्ट। ये भी आप याद भी रख सकते हैं, जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा, बहुत जल्दी आपके टिप पर आ जाएगा, तो वो आसानी से बहुत जल्दी सवाल बनने लगेगा। तो नॉर्थ का राइट क्या हो गया, ईस्ट, नॉर्थ का राइट हो गया ईस्ट, ठीक है। तो ये यहां से हम लोग ट्रिक से भी देख लिए कि इस डायरेक्शन में अब वो मुड़कर खड़ा है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल में कि एक आदमी है जो कि स्टार्ट करता है नॉर्थ की ओर, ठीक है, नॉर्थ की ओर पॉइंट कहता है, एक स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पॉइंट से स्टार्ट करता है और चलता है 5 किलोमीटर नॉर्थ। चलिए इस ट्रिक से देखते हैं, नॉर्थ चलता है, ठीक है, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, उसके बाद फिर लेफ्ट, ठीक है, फिर लेफ्ट। अब ये यहां खत्म हो गया, कहता है अब वो किस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ का लेफ्ट, नॉर्थ का, ये इस तरह से देख रहे होंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा इसे बनाना। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, तो वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट का लेफ्ट साउथ हो जाएगा। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे, वेस्ट का लेफ्ट साउथ हो जाएगा। तो यहां से हम अगर आसानी से याद रहेगा, नॉर्थ का लेफ्ट हो गया वेस्ट, नॉर्थ का लेफ्ट हो गया वेस्ट यानी कि पश्चिम, और वेस्ट का लेफ्ट हो गया साउथ, वेस्ट का लेफ्ट हो गया साउथ। तो इससे क्या पता चलता है कि जब हम लोग किसी डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं और फिर टर्न लेते हैं, एक लेफ्ट फिर दूसरा लेफ्ट टर्न लिया, यानी कि दो लेफ्ट हम लोग लिए नॉर्थ से, दो लेफ्ट लेकर, तो हम किस डायरेक्शन में पहुंच गए, साउथ में, किस डायरेक्शन में पहुंच गए, साउथ में। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि दो लेफ्ट या फिर आप दो राइट ले रहे हैं किसी डायरेक्शन को से स्टार्ट करके, आप दो लेफ्ट और दो राइट ले रहे हैं, तो आप सीधा उसका आंसर कर सकते हैं, नॉर्थ से स्टार्ट किया था और फिर दो लेफ्ट लिया, नॉर्थ से स्टार्ट किया था दो लेफ्ट लिया, अब किस डायरेक्शन में है, तो अब वो है साउथ में। या फिर आपको बोले कि साउथ से स्टार्ट किया, ठीक है, साउथ से स्टार्ट किया, दो राइट लिया, अब किस डायरेक्शन में है, तो बोलेंगे नॉर्थ में। तो इससे पता चल रहा है कि जब आप किसी डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं चलना और आप दो लेफ्ट लेकर कहां हैं, तो आप हैं साउथ में, यानी कि उसके जस्ट अपोजिट, दो लेफ्ट या दो राइट जब लेते हैं तो आप उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। अगर आपको इस तरह का सवाल केवल डायरेक्शन से रिलेटेड पूछा जाए तो आप बिना पेन और पेपर के उठाए आप इस सवाल को इस तरह से कर सकते हैं। और अगर थोड़ा आपको आसानी है, आसानी से आप इसको खींच कर बना सकते हैं, क्योंकि आजकल तो एग्जामिनेशन में टाइमिंग का बहुत ज्यादा रोल है, एक्यूरेसी के साथ आपको स्पीड भी बनाना है, तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं कि डायरेक्शन वाले सवाल में केवल आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा, कि नॉर्थ का राइट क्या होता है, वेस्ट का राइट क्या होता है, वेस्ट का लेफ्ट क्या है, साउथ का वेस्ट क्या है, साउथ का राइट क्या है, तो ये सब आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा सवाल हम आपको देंगे, अगर आप उस सारे सवाल को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रीजनिंग से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस, जानकी एक लड़की है जो कि स्टार्ट कर रही है अपने घर से, ठीक है, हम इसको ट्रिक से ही देखेंगे कि जल्दी से, इसमें केवल डायरेक्शन पूछा गया है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन पूछा गया है, डिस्टेंस नहीं पूछा गया कितना दूर है, तो केवल डायरेक्शन पूछा गया, तो हम इसको ट्रिक से देखते हैं कि जानकी जो है वो नॉर्थ से स्टार्ट की, ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट की, उसके बाद उसने नॉर्थ से, हम क्या बोले, नॉर्थ से स्टार्ट की, फिर उसने राइट लिया, फिर उसके बाद राइट के बाद फिर उसने राइट लिया, ठीक है, फिर ये कितना चला, ये कितना चला नहीं चला, इससे हमको मतलब नहीं है, अगर डायरेक्शन केवल पूछा जाए तो आप इसी तरह से इसको बना सकते हैं। देन सी टुक राइट, फिर उसके बाद उसने राइट लिया, फिर क्या हुआ, 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद राइट लिया। तो यहां पर जो है नॉर्थ से स्टार्ट की जानकी और राइट ली, फिर राइट ली, फिर राइट ली, फिर राइट ली, तो जब यहां से चला तो बोलता है अब वो किस डायरेक्शन में, तो 4 राइट इसने लिया है, नॉर्थ से चलते हुए 4 राइट लिया है। चलिए तो हम अब देखते हैं कि नॉर्थ का राइट क्या होता है, तो आप अगर आसानी से आप अगर स्पीड से बनाना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो आपको याद हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो नॉर्थ का राइट होता है यानी कि जो उत्तर का दायां होता है वो होता है ईस्ट, नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट होता है, और ईस्ट का राइट क्या होता है, ईस्ट का राइट होता है ये ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ का राइट ईस्ट हो गया, ठीक है, और ईस्ट का राइट हो गया साउथ, ठीक है, ईस्ट का राइट हो गया साउथ, और साउथ का राइट होता है ईस्ट,
साउथ नहीं, साउथ का राइट इस तरह से आप देख लीजिए, साउथ है ये और इस तरह से हम चलेंगे, साउथ का राइट होता है वेस्ट, ठीक है, साउथ का राइट होता है वेस्ट। उसके बाद वेस्ट का राइट क्या होगा, वेस्ट का राइट क्या होगा, फिर से हम चले गए नॉर्थ पर, ठीक है, वेस्ट का राइट होता है नॉर्थ, वेस्ट का राइट होता है नॉर्थ। तो यहां से हमने क्या देखा कि जब आप किसी डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं और आपने चार राइट लिया तो आप फिर से पहुंच गए नॉर्थ में ही, ठीक है, आपने किसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, उसके बाद चार डायरेक्शन चार राइट लिया आपने और आपसे पूछा गया कि आप किस डायरेक्शन में हैं, तो आप बिना किस टाइम गवाए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बिना टाइम गवाए बोल सकते हैं मैं फिर से नॉर्थ डायरेक्शन में चला आया। तो इससे यहां से आप एक नोट डाउन कर ले कि जब हम चार लेफ्ट या फिर चार राइट लेते हैं तो हम सेम डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। तो इससे पता चला कि जब दो लेफ्ट या दो राइट लेते हैं तो हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच रहे थे, उसी तरह से जब चार लेफ्ट और चार राइट ले रहे हैं तो हम लोग कहां पहुंच रहे हैं, हम लोग सेम डायरेक्शन में, मतलब उसी डायरेक्शन में फिर से पहुंच जा रहे हैं। तो आपसे अगर डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल पूछा जाए तो आप इतनी आसानी से इतने जल्दी यहां से बना सकते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है, यहां पूछा गया है कि नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, मतलब स्टार्टिंग से वो अब किस डायरेक्शन में है, यहां डायरेक्शन केवल पूछा गया है, ठीक है, आप ट्रिक से इसको बनाएंगे, ठीक है, और बनाकर यहां सवाल आंसर को कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला जो टाइप है ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे, और ये जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है ये जो आधे आधे घंटे का तीन पार्ट आएगा, ठीक है, तीन पार्ट आएगा, इसमें हम सारे टाइप्स को कवर करेंगे, और इन टाइप्स को कवर करते हुए और इसके बेहतरीन सवाल हम लोग करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या हम लोग अपने जो ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उससे हमारा बहुत आसानी से बिना पेन को उठाए क्या हम उसका आंसर को ऑप्शन में टिक कर पा रहे हैं या नहीं, ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग करेंगे अगले क्लास में अगला और सब टाइप, ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा मतलब जो जितने टाइप्स हैं आठ टाइप हैं वो हम लोग तीन पार्ट में कवर कर लेंगे और आपको फिर क्वेश्चन दिया जाएगा। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सेफ रहें, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, रीजनिंग के नेक्स्ट सेशन में और भी डिफरेंट टाइप्स के साथ। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको टाइमिंग जो होगा, ये जो 100 डेज टारगेट बैच है इसके टाइमिंग का नोटिफिकेशन इसका जो शेड्यूल है इसको आप हमारे चैनल से आप बने रहें, जिसका शेड्यूल आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पता चल जाए। संडे को आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा और मंडे से सिलसिलेवार तरीके से, मंडे यानी कि जो आने वाला मंडे है, आज है 25 और जो अभी आने वाला मंडे है इससे हम लोग सिलसिलेवार तरीके से रीजनिंग जीके जीएस करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के स्पेशल क्लास को लेकर आएंगे, जिससे आपको ग्रुप डी एसएससी जेडी एसएससी सीजीएल सीपीओ एसएससी जेई आरआरबी जेई जितने भी टाइप के जेई एग्जाम है या फिर जितने भी टाइप के नॉन टेक्निकल अभी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी टू होने वाला है, तो 100 में से 100 मार्क्स का लाने का हम लोग कोशिश करेंगे। 100 मार्क्स का मतलब कि जितना मार्क्स का है उतना मार्क्स लाने का हम लोग यहां पर क्या करेंगे, उसके लिए पढ़ेंगे, और हम लोग जब मेहनत करेंगे तो जरूर हमारा मेहनत रंग लाएगा। इसी के साथ हम अपने बात को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले नेक्स्ट टाइप के साथ, नेक्स्ट बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ, और ट्रेडिशनल जो हम लोग ट्रिक के साथ हम लोग ये मेथड भी सीख रहे हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, तब तक के लिए आप सेफ रहें और